अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का मुशर्रफ फैसले के हवाले से कहना है कि गद्दारी केस का अभी तफसीली फैसला नहीं आया, हकूमती लाहे अमल के बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का फैसला भी जल्दबाजी में किया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कानून की बुनियादी चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया, फैसले में बहुत सी बातें खिलाफ कानून है। बहुत अर्ली है कि ये कहे कहा जाए कि लाए अमल क्या इख्तियार करेगी। अभी तक कंप्लीट जजमेंट नहीं आया है और रीजंस भी नहीं बताए गए हैं, मगर बेसिकली ये जजमेंट जल्दी में लिखा गया है और मुझे बजाहिर ये लगता है कि इन्होंने जो कानून की बेसिक चीजें हैं उनको भी मद्देनजर नहीं रखा है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि जो कंप्लेनेंट था इसके अंदर, जिसने किया है, जो सेक्रेटरी साहब थे उनको अपॉइंट किया गया था 18th अमेंडमेंट से पहले, और जब लॉ बदला है 18th अमेंडमेंट का तो आर्टिकल 19 जब आया है उसके बाद कैबिनेट की अप्रूवल मैंडेटरी हो गई थी, कैबिनेट की अप्रूवल ली नहीं गई और जाहिर है उसके बगैर इन्होंने जो है उसको कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट बताते खुद इस काबिल नहीं है कि जिसमें के प्रोसीड किया जाता।